हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है आप सबके? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, फ्रेश हैं? क्या बात है, क्या फ्रेश नहीं है? फ्रेश क्यों नहीं है? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि सुबह हम सारा मलबा नींद में डाल देते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह आंख नहीं खुलती? ना आंख का मसला है, ना नींद का मसला है, मसला आपका अपना है, क्योंकि आप वक्त पे सोते नहीं है। भाई उधर से तो हमने स्ट्रेच करके अपना स्लीप साइकिल जो है उसको 10, 11, 12, 1, 2 कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि सुबह उठने का तो वक्त वही है। सुबह दिन का आगाज करना है, जो भी मसरूफियात हैं, दफ्तर जाना है, नहीं जाना, घर पे रहना है, काम शाम, वो चीज, वो वक्त जो है वो तो आगे नहीं जा सकता ना। तो इधर से हम स्ट्रेच आउट करते हैं अपनी बॉडी को कि हमने लेट सोने की आदत बनती गई बनती गई बनती गई और सारा मलबा जाके बेचारी नींद पे डाला, सारा मलबा जाके बेचारी आंख पे डाला, आंख नहीं खुलती, सुबह सुबह बॉडी में थकावट होती है। आज की टिप ये है साथियों कि आपने जो अपना स्लीप साइकिल है उसको एक बार फिर पीछे लाने की कोशिश करनी है। अगर सोते सोते आप 1-2 बज गए हैं तो जरा रिवर्स गियर लगाइए और कोशिश कीजिए कि आज हमने 11 बजे सो जाना है या 10 बजे या जो भी आपकी बॉडी को 7-8 आवर्स की स्लीप चाहिए वो उसको देनी है। बेचारी नींद का कोई कसूर नहीं, वो तो मासूम सी है, वो आती है, हमें फ्रेश करती है, एनर्जाइज करती है, हमारे बॉडी सेल्स को रीजेनरेट करती है और चली जाती है। उसको हम कसूरवार ठहराएं तो अच्छी बात नहीं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के शो में बहुत कुछ है, बहुत मजे मजे के गेस्ट्स हैं जिनसे आपको मिलवाना है, और आज कुछ ब्लॉग्स और वीलॉग्स की भी बात होगी किड्स सेक्शन में, और अब्दुल्ला हमें कुछ इंटीरियर्स के मजेदार टिप्स भी देंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट, जो बॉडी को एनर्जाइज करने की हम बात कर रहे हैं तो उसकी एक उसकी टिप है नींद का पूरा होना, और दूसरी टिप है सुबह सुबह थोड़ी सी वर्जिश करना, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है ट्रेनर तहमीना एंड ट्रेनर काशे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई। अच्छा जी, वाकई तहमीना, नींद का पूरा होना कितना जरूरी है, वरना बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। सारी भाई आप इतनी जबरदस्त बात कर रहे थे स्लीप साइकिल की और नींद का ना आना, उसको उस पर इल्जाम ठहराना कि भाई नींद नहीं आ रही है। जो लोग समझते हैं कि हम तो टाइम से बेड पे सो जाते हैं, तो सीख भाई आपने क्या बात कर दिया, मैं तो 9 बजे बेड पे था, नींद नहीं आई। तो आज का जो वर्कआउट है ना, आप एक्सरसाइज करें फिर देखें नींद कैसे आती है। अच्छा, रात को खाने के बाद सोने से पहले भी तहमीना एक्सरसाइज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। एक्सरसाइज का जो एक मिथ आपसे कुछ टाइम पहले भी डिस्कस हुआ था कि मिथ्स हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए या रात को नहीं करना चाहिए या दिन में नहीं करना चाहिए, आपको जब टाइम मिले आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि हर बंदे का अपना एक रूटीन है। जैसे आई लाइक टू डू वर्कआउट इन द इवनिंग, आई फील मोर फ्रेश ड्यूरिंग लेट नाइट, लेकिन ये कि वो हर किसी का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज। लेकिन जरूरी ये है कि खाली पेट हो, खाली पेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि खाना खाया रात को 9 बजे और 9:15 बजे आप एक्सरसाइज करने लगे। जी बिल्कुल, फिर अपने स्टमक को टाइम दें कि वो खाना हजम हो जाए और उस पे बोझ ना हो और फिर सोने से पहले। लेकिन तो एक चीज और भी अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये भी जो लोग कहते हैं ना कि अर्ली आप डिनर कर लें, लाइक 7-8 o'clock आप रात को डिनर कर लें, और अगर आप 12-1 बजे सो रहे हैं तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप इतनी देर तक स्टमक को एम्प्टी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 12-1 बजे तक जाग रहे हैं देन फिर पूरा वो जो आप 8-9 घंटे सो रहे हैं तो वो आपको थकाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप बहुत देर से सोते हैं कुछ फ्रूट्स ले लें, कुछ थोड़ा बहुत नट्स ले लें, कुछ हल्की फुल्की चीज जरूर खाएं एंड देन यू गो टू स्लीप। ग्रेट, ठीक है। आज की क्या है जनाब? आज आपने देखा हमारे पास डंबल और चेयर है। हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा, यानी चेयर तो हर घर में होती है, सोफा हर घर में होता है, तो ऐसी चीजें कि जो लोगों के लिए आसान, इवन बेंच टेबल। जी जी, तो हम अब वार्म अप से शुरू करेंगे। हम फुल बॉडी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो कि हेल्प आउट करेंगी, तो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल नीज को सॉफ्ट रखना है आपने 10-12 times, 20 times, 25 times जितना आप कर सकते हैं। यू ब्रीद इन, हॉप्स, स्किपिंग आई लाइक स्किपिंग, कि स्किपिंग के साथ आपका इतना अच्छा वार्म अप हो जाता है कि फुल बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है। जंप रोप, स्किपिंग, बिल्कुल बिल्कुल, बट किक्स, मैं कोई कुछ चल रहा हूँ, वक्त की कैद होती है हमारे पास। लेकिन आपने इतना वार्म अप नहीं करना, आपने इससे ज्यादा करना, तकरीबन 5 मिनट का वार्म अप, एटलीस्ट 5 मिनट, अच्छा बिल्कुल कम से कम। अच्छा, उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज है आपने करना क्या है, चेयर ले ले, बेंच ले ले, कोई भी चीज लग ले। हमने कुछ दिन पहले जो है स्टेप अप किया था इस पोजीशन में, या लाइक स्टेप अप, आज हम कर रहे हैं साइड। इसमें और ज्यादा कोर इन्वॉल्व है, तो आपने एक पांव इधर रखा, यू लिफ्ट इट अप, अब मैं नीचे नहीं जा रही एंड देन यू कम अप। और देखिए, आपको अगर डर लग रहा है कि कुर्सी गिर जाएगी तो आप किसी की सपोर्ट ले लें, दीवार के साथ टेक लगा दें कुर्सी की। और जैसे तहमीना ने बताया कि पहले हमने
फ्रंट लगाया था, उसका मकसद ये समझ नहीं आ रहा उसमें। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सीख भाई, आपका फ्रंट क्वाड मसल यहाँ पे बिल्कुल तो वो ट्रेन हो रहे थे, अभी साइड पोस्चर आपका, आपके जॉइंट्स। अच्छा मैंने कहा आप शायद कह रहे हैं कि और कोर इन्वॉल्व है। फर्क है कि उस दिन तमीना ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, आज ब्लू पहनी है। उससे सारा फोकस जो था वो हमारे क्वाड मसल जो बेसिकली यहां पे होते हैं। अच्छा चेयर में अब इस साइड पे रखती हूं, आई विल शो यू जिसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक लंज। आइसोमेट्रिक लंजेस तो उसका मकसद ये है कि आपने ये पोजीशन बनाई, अब आपकी लेग पीछे है, हैंड्स आप वेस्ट पे रखेंगे, यू गो ऑल द वे डाउन अप। अच्छा इससे आपके थाई के मसल्स स्ट्रेन, ये बेसिकली हैमस्ट्रिंग के लिए है, आपके ग्लूट्स, आपके लो बैक, आपके कोर, हर चीज इसमें इन्वॉल्व। और आप कोशिश करें कुर्सी को पीछे पुश नहीं करना, आपने सिर्फ उस पे सपोर्ट लेनी है, अपना पंजा जो है वहां पे रखेंगे। ओके जी, अगली एक्सरसाइज करेंगे काशिफ। गुड, ये कुर्सी जो है उसके कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा काम की चीज है, आप जंपिंग इवन कर सकते हैं इस पे। यहां रख देती हूं, पुशअप्स टू रोटेशन, बिल्कुल बिल्कुल पुशअप करना है आपने। हमारे पास थोड़ी छोटी चेयर है लेकिन अगर आपके पास बड़ी है तो मोर इजी। याद रखिए कमर सीधी आपकी होगी, चेस्ट अप ऑल द वे डाउन, पूरा नीचे, खुद को हिट नहीं करना, आपने प्रॉपर ग्रिप करनी है, ठीक है, बैक अप, रोटेट। अब इसमें आपके शोल्डर्स, आर्म्स, आपका कोर यानी आपके एब्डोमिनल, ओब्लिक साइड, एंड देन आप देखेंगे कितनी ज्यादा इसमें। मैं एक दो और करूंगा और आगे चलेंगे अगली एक्सरसाइज की जानिब। बिल्कुल विद इन कोर नाइस एंड टाइट, इट इज लाइक पुशअप्स बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका एंगल पूरा चेंज हो जाता है। और लेग भी अगर उठा दे काशिफ, इनको थोड़ी और एडवांस वर्जन बता दे, स्विच करूं या सेम लेग, सेम लेग। अब ये देखिए ये थोड़ी और एडवांस वर्जन है, और आप देखें उस बाकायदा शिवरिंग आपको फील हो रही है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, फोकस आपका बढ़ता है इन एक्सरसाइजेस से, बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। इसकी रूटीन के बारे में हम आपको बताएंगे जब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। अब मैं बढ़ूं बर्पीज की तरफ, ये साइड पे कर देती हूं, ये थोड़ी सी इंटेंस है और जब पूरा सर्किट आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कितने मजेदार एक्सरसाइज। मेक श्योर कि आपका एरिया क्लीन हो, जैसे कि मैं चीजें उठा उठा के साइड पे रखी जा रही हूं। बिल्कुल स्लो आपको डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं, आराम से उठेंगे ऑल द वे। अब मैं थोड़ा सा पेस पर करता हूं इसकी। ओप्स, जितने आप एडवांस होंगे उतना ज्यादा आप उसको इंटेंस बनाते जाएंगे, लेकिन मेक श्योर करते जाएं, ठीक है, कि अपने फिटनेस लेवल के मुताबिक जो है ना आप एक्सरसाइजेस करें। ये नहीं है कि काशिफ ने ये बताया, तहमीना ने ये बताया तो मैं कर लूं और खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो जाए। स्लोली एंड स्टडी आपने लेके चलना है इसकी मॉडिफिकेशन। बिल्कुल नीचे जाइए, ऊपर आइए, जंप, वेरी गुड। अच्छा ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई हैं मैंने और काशिफ ने, आपने करना क्या है कि हर एक्सरसाइज की आपने 15-15 रेपिटेशंस करनी है और आप बैक टू बैक एक्सरसाइज करेंगे 5 rounds। अच्छा यानी 15 रेपिटेशंस और सेट एक बना, यानी 15 रेपिटेशंस के बाद एक सेट बना, तो आपने बैक टू बैक 5 rounds। पहली एक्सरसाइज के 15 reps लगाए, अगली एक्सरसाइज में जाएंगे विदाउट एनी रेस्ट, बिल्कुल पानी थोड़ा सा पी लें, 15 रेप्स लगाए, अगली एक्सरसाइज यानी 4 exercises हमने बता दी, 5 circuits लगाइए, अगर आप एडवांस है तो 7 circuits आपने लगाने हैं, बिल्कुल विदाउट एनी रेस्ट। और आप एक्सरसाइजेस को और थोड़ा सा वो कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी और जंपिंग बढ़ा लें, आप जैसे मैं ये साइड से, तो आप वेट्स उठा के कर लें, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक चीज आप दोनों बताइए कि एक आम तासुर ये है कि एक्सरसाइज का तब फायदा है या तब मजा है जब बहुत सा पसीना आए, तो अगर कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना नहीं आ रहा तो क्या असर नहीं हो रहा? अच्छा एक तो चीज तो सही कि ये मैं क्लियर कर दूं, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा स्वेटिंग का जो ताल्लुक है, एक तो आपकी बॉडी में जो है स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हर किसी के पोर्स इतने ओपन नहीं होते, समटाइम्स यू स्वेटिंग मोर, समटाइम्स यू डोंट, इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट। आप स्वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, समर में जैसे आप ज्यादा करते हैं, लेकिन आप विंटर में इतना ज्यादा नहीं करते, स्पेशली हम एसीज में एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं आम रूटीन में जिम में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करेंगे जैसा कि हम कर रहे हैं तो यू विल स्वेट मोर। तो यानी कि पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे परेशान होने की इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपकी वाटर इनटेक इतनी नहीं है इसकी एक और इंटेंस नहीं है। बेहतरीन टेक्निक ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने आर्म्स का वर्कआउट किया है और अगर आप अपनी शिन पे, अपनी पिंडली पे हाथ लगाएं, ये ठंडी होगी, ये गर्म होगी, ब्लड की रवानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वर्कआउट किया है उसके लिए उसके असर हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच तहमीना, थैंक यू वेरी मच काशिफ। हम एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक लेंगे जी, और मशहूरिया ब्रेक से वापस आएंगे तो किड सेक्शन को शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज हमें अब्बास क्या बताने वाले हैं व्लॉग्स के हवाले से। व्लॉग्स तो हमने सुने थे, ये व्लॉग्स क्या है और इसमें बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं, रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
जी जनाब, वेलकम 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 अगेन। आज मेरे साथ मौजूद है अब्बास। अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं, ये अक्सर हमारे लिए सेगमेंट सजा के लाते हैं। क्या हाल है अब्बास? गुड मॉर्निंग। आज वालेकुम अस्सलाम, क्या टॉपिक है आज? बड़ा ही औखा सा टॉपिक है, मुझे तो कख समझ नहीं आई अभी तक। अब्बास ही समझाएगा तो कुछ समझ आएगी। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हमारा टॉपिक वीलॉगिंग है। वीलॉगिंग, जिसको व्लॉग भी कह सकते हैं या वीलॉग ही कहना है? व्लॉग भी कह सकते हैं, व्लॉग भी कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है, क्या है इसकी? हवा से उड़ के आती है, जमीन पे रेंगती है, क्या चीज है? ये वीडियो लॉग होता है और इसमें लोग अपने लाइफस्टाइल, जैसे कि कोई अपनी हॉबीज कर रहा है, कोई खाना कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई मेकअप, यू नो, गोइंग ऑन एंड ऑन। सो इट्स बेसिकली अबाउट पीपल्स लाइफस्टाइल। तो ये क्या चीज होती है? वीडियोस बनाते हैं लोग इसमें? जी, वीडियोस बनाते हैं लोग। और फिर क्या करते हैं? दे अपलोड इट ऑन, यू नो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, और उसका कोई नाम होता है, मसलन कोई वो चैनल होता है, जैसे? जी, जैसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स होते हैं, मुख्तलिफ इसी तरह टीवी चैनल्स होते हैं, उनके भी चैनल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और फिर लोग देखते कैसे हैं उसे? लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाके उसको व्यू कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से व्लॉग्स फॉलो करते हैं? मैं तो बहुत सारे व्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ। मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ। जेक पॉल है, लोगन पॉल है, ब्यूटी पाई है, राइस कम है, फेस बैंड्स है, इस तरह। ये किन टॉपिक्स पे? ये अबाउट द लाइफस्टाइल बस। अच्छा, यानी कि जो मैं समझा हूँ ये कि आप अपनी, अच्छा, ब्लॉग से कैसे फर्क होता है? अच्छा, ब्लॉग्स और व्लॉग्स में ये फर्क है कि जो ब्लॉग्स हैं उसमें लोग लिखते हैं, बट दैट्स इवन सिमिलर टू दिस, क्योंकि उसमें भी लोग अपने लाइफस्टाइल और उनकी एवरीडे थिंग्स के बारे में ही लिखते हैं। बस व्लॉग्स में ये फर्क है कि व्लॉग में लोग वही चीजें करते हैं, बस उनको वीडियो बना के वो लोग अपलोड कर देते हैं। अच्छा, तो क्या कोई पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी हैं जो कि मशहूर हुए हों? बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे जी। कोई है जिनके बारे में आप जानते हो, किसी को फॉलो किया आपने? जी, बहुत सारे। शाम इदरीस है, समी आसिम है, और ये भी लाइफस्टाइल और डिफरेंट किसी टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। अच्छा, बच्चे भी तो व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसमें क्या पैसा भी कमाया जा सकता है? जी, बहुत सारा पैसा कमाया। कैसे पैसा कैसे आता है इसमें? तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स होता है, जब वो पास करते हैं तो यूट्यूब उनको पैसे देता है। अच्छा, यानी कि मेरा अगर एक व्लॉग है, यानी एक मेरा यूट्यूब पे चैनल है या उसके ऊपर मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और बहुत सारे लोग अगर मुझे फॉलो करने लग जाए और वो बहुत सारे हो जाए, तो फिर यूट्यूब आपको पैसे देता है? यूट्यूब आपको अर्न करने लग जाते हैं कि भाई इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, हाँ जी, तो आपको फिर पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे भी पैसे कमाते हैं इसमें? हाँ जी, बच्चे भी पैसे कमाते हैं, which is not right. Which is not right, क्यों भाई? पैसे कमाना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें नहीं, not right क्या? अच्छी बात तो है, लेकिन जो छोटे बच्चे जैसे मेरी एज के, मुझसे छोटे, मुझसे थोड़े से बड़े, तो उनको जब इतनी ज्यादा फेम और मनी मिल जाती है, वो हैंडल तो नहीं कर सकते। बड़ों के लिए इतना मुश्किल होता है, तो बच्चे हैं, बच्चे वेरी राइट इनके लिए। तो फिर वो क्या करते हैं फिर? मतलब इसका मतलब है कि वो पैसे ही ना कमाएं, या उसको हैंडल करने का कोई तरीका होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कमाएं, लेकिन कोई हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, कोई सुपरवाइज करे उनके पेरेंट्स को। अच्छा, कोई बच्चा व्लॉगर आप बताएंगे कि जिसको आप फॉलो करते हैं, और वो किस टॉपिक पे व्लॉगिंग करता है? एक है मेरा, मैं उसको बचपन से देखता था, एवन ट्यूब, वो गेमिंग के बारे में करता है, उसका चैनल इज अबाउट गेमिंग। हां, और उसके पूरी दुनिया में सब्सक्राइबर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो क्या ये बहुत आसान होता है व्लॉगर बन जाना, या मुश्किल है? देखिए, चैनल तो आपका 5 मिनट में बन जाएगा, आप जाएंगे चैनल बना लेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखें, आपको अगर आप व्लॉग बनाएंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपको एडिट करना पड़ेगा, यू नो, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, उसका
उसके बहुत से नुकसान है, जैसे कि आप स्टडी से हट जाएंगे क्योंकि आपको तो वो एडिट करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, आपकी आउटडोर गेम्स फिजिकल एक्टिविटीज आप लोग नहीं कर सकते, आप बस एक कमरे के कोने में बैठ के कंप्यूटर या फोन पे बस लगे होते हैं एडिट कर रहे होते हैं। ये वो चैलेंजेस हैं, मतलब व्लॉग कोई बुरी चीज नहीं है, उससे पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अब्बास बड़ी निशानदेही जिन चैलेंजेस के बारे में कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये नहीं कि आपकी जिंदगी जो कि पूरी की पूरी कमरे के कोने में एक लैपटॉप के आगे गुजर रही है, आप आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे, आप स्पोर्ट नहीं कर रहे, आपकी ईटिंग हैबिट्स इफेक्ट हो रही है कि आप एक जगह पे बैठे हुए और वहीं बैठ के खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी खासतौर पर अगर आप ग्रोइंग एज के अंदर हैं तो ये सारे सोशल मीडिया इंटरनेट की सारी एक्टिविटीज़ या वीलॉगिंग या ब्लॉगिंग ये सब बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन अब्बास ने हमें आज ये बताया कि इनके जो चैलेंजेस हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बैठ जाकर तुझे वो दिखाना है, हमने कुछ मज़े की चीज़ें दिखाएंगे, कुछ मशहूरियाँ दिखाएंगे। तुझे घर जाने की क्या जल्दी, तुमने घर जाके क्या करना है ये बता। आपको दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे तो अब्दुल्ला भाई हमें कुछ घर के इंटीरियर्स के बारे में जबरदस्त टिप्स देने वाले हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ मौजूद हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे से समझा समझा के बातें करने वाले अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का सेगमेंट जो कि इंटीरियर्स के हवाले से बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप लोग ब्रेकफास्ट एट होम जो हमारा फेसबुक पेज है शो का, या तौसीक है मेरा जो पेज है, उस पर आप हमें अब्दुल्ला के लिए क्वेश्चंस भेजते हैं और अब्दुल्ला उन क्वेश्चंस की रोशनी में अपनी अपना जो सेगमेंट है उसको डिजाइन करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज क्या हमें बताने लगे हैं जनाब आप? जी, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। आज हम स्कल्पचर्स के हवाले से बात करेंगे। तो जो सब जैसे ही मैं अपने कोई किसी भी क्लाइंट से जो है वो स्कल्पचर का नाम लेता हूँ तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सहम जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, मुजस्मे हमें घर में नहीं चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही गलत किस्म का तासुर है कि जो स्कल्पचर्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन फॉर्म के हो सकते हैं या सिर्फ ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि स्कल्पचर्स जो हैं वो एक वाइड किस्म की जो चीज़ें हैं उनको कवर करते हैं और डिफरेंट तरह के स्कल्पचर्स होते हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे कि उनको किस तरीके से हमें। जी, स्लाइड्स देख लीजिए। अच्छा जी, ये क्या है? सबसे पहले हमारे पास ये है, ये अगेन वुड के छोटे छोटे से जो पीसेज आपके बच जाते हैं, ये किसी भी कारपेंटर के स्टोर से मिल जाएंगे, किसी के घर में काम हो रहा हो वहाँ पे आपको कुछ पीसेज मिल जाएंगे, तो उनको उन्होंने रिसाइकल करके एक वॉल आर्ट उससे बना लिया। लेकिन चूंकि ये 3-डाइमेंशनल है तो इसलिए जो है ये एक स्कल्पचर के तौर पर कहेंगे हम। ये स्कल्पचर की एक तरीका ही होगा क्योंकि स्कल्पचर यूजली जो है वो 3-डाइमेंशनल होता है, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा सा 2-डाइमेंशनल है, बट एक स्कल्पचरल क्वालिटी है उसमें। और ये अगेन एक जो हमारे उस पर लेफ्ट साइड के ऊपर विजुअल है उस पर हम देख सकते हैं कि जो एक कॉलम था उसको उन्होंने थोड़ा सा पेंट करके उसमें थोड़े से कलर्स ऐड करके उसको एक स्कल्पचरल फील दे दी है। सिमिलरली जो राइट साइड के ऊपर उन्होंने कैबिनेट्स सी छोटी सी बनाई हुई हैं, तो बजाय इसके कि वो कम्प्लीटली सॉलिड होती बल्कि उन्होंने रॉट आयरन में करके उसको एक स्कल्पचर के तौर पे ट्रीट किया हुआ है। और वो जो पिलर को कलर किया बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अरे ये दिस इज रियली नाइस। तो अगेन हम कोई ऐसा फर्नीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी स्कल्पचरल क्वालिटी हो। अब जो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर है ये बेसिकली एक टेबल है जो कंक्रीट से और रेजिन के साथ बनी हुई है। अच्छा जी, तो अगेन इसकी इतनी ज्यादा स्कल्पचरल क्वालिटी है कि ये भी एज अ स्कल्पचर क्वालिफाई कर सकता है। और जो राइट साइड के ऊपर विजुअल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी चेयर्स हैं उनकी जो टांगे हैं उनका जो बैक साइड है वो इतनी ज़्यादा अनयूजुअल किस्म की है कि कॉन्स्टेंटली आपकी जो नज़र है वो उसके ऊपर जाती है, उसकी 3-डाइमेंशनैलिटी के ऊपर। एक और जो इसमें तरीका हो सकता है वो प्लांट्स का हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर नर्सरीज में जाते हैं तो वहाँ पे वो बड़े स्कल्पचरल किस्म के बॉन्साई ट्रीज होते हैं, कोई और तरह के प्लांट्स होते हैं। तो अभी जो हमारे विजुअल्स हैं ये आप देख सकते हैं, एक जो है वो आउटडोर स्पेस है और एक जो है वो स्काईलाइट है। दोनों में जो है उन्होंने जिस तरह के एक उनका जो स्केल है उनका जो हाइट है तो उसकी वजह से एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है और कॉन्स्टेंटली जो है ना वो आपकी 3-डाइमेंशन की वजह से आपकी जो फोकस है वो उसके ऊपर जा रहा है। यानी अपनी वॉल्स को डेकोरेट करने या सिर्फ फर्नीचर पे फोकस करने के बजाय ये एक तीसरा एक तरह की एक ऑप्शन है कि जो फर्नीचर भी हो सकता है,
वॉल से हटके भी चीज हो सकती है, लेकिन ये एक खूबसूरत इम्पैक्ट जो है वो आपके कमरे को दे सकते हैं। जी, इसमें ये होता है कि जो हमारा जितना भी फर्नीचर होता है वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल होता है। स्कल्पचर की ब्यूटी ये होती है कि ये एक वर्टिकल किस्म का एलिमेंट ऐड कर देता है आपकी स्पेस में। लेकिन क्या इसके लिए अब्दुल्ला जरूरी नहीं कि फिर कमरा या आपकी लॉबी वो बहुत बड़ी हो ताकि दूर से इसको नजर आए, या छोटी जगह पे भी इसका यूजेज हो सकता है? जी, इसमें इतने सारे डिफरेंट तरह के स्कल्पचर्स मौजूद हैं। आज जरूरी नहीं कि आप आर्ट गैलरी से जाके खरीदें, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकल करके बना सकते हैं। तो कोई भी स्पेस हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसमें किसी ना किसी का तरह का जो स्कल्पचर है वो अच्छे तरीके से फिट हो किया जा सकता है। ग्रेट। और ये बताइए कि इसमें भी जो कलर्स के ऊपर आपने हमारे साथ सेगमेंट किया था जिसमें आपने बताया था कि कौन से कलर्स, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, तो इसमें भी उन चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है, या जो भी स्कल्पचर या जो भी हमें कोई आर्ट फॉर्म किसी भी कलर में नजर आ रही है, हम उसको अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है। जी, तौसीक, इसमें ये होता है कि जो हम जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी मटेरियल से बनते हैं, जिस तरह वुड से है या कोई कंक्रीट का स्कल्पचर है या किस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, तो उसका जो ना एक ऑलरेडी अपना एक कलर भी होता है और उसकी एक ऑलरेडी अपना एक टेक्सचर भी होता है। तो यूजली आप जो स्कल्पचर्स देखेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं मिलेंगे। बट आई थिंक ये अच्छी बात है, क्योंकि जो दीवारों के कलर्स होते हैं, फर्नीचर के कलर्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करके एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस क्रिएट करते हैं। ग्रेट, अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी जी, अगेन ये प्लांट्स के साथ मजीद, अब ये जो राइट साइड के ऊपर विजुअल है, वहाँ पे उन्होंने सेंटर में एक कैक्टस लगाया हुआ है। अब जो उस कैक्टस का जो स्केल है उसकी वजह से वो किस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और एक थ्री डायमेंशनैलिटी उसमें आ रही है, तो एक स्कल्पचरल फील है। और जो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर विजुअल है, वो उन्होंने रॉट आयरन का फ्रेम लेके उसके अंदर पॉट्स लगा के डिफरेंट तरीके से अरेंज किया हुआ है। और ये दो वॉशरूम्स हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्साई ट्री जो हैं, दोनों, एक में बॉन्साई ट्री है और दूसरे वाले में जो प्लांट है, तो उसका जो पॉट है जिसके अंदर वो प्लांट है, जो प्लांट का साइज है, कलर है, टेक्सचर है, वो एक स्कल्पचरल फील दे रहा है। ये लिविंग एरिया है, ये वाला जो मटेरियल है ये स्टील है, तो ये स्टील में दोनों स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और अगेन इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक दीवार थी जो बिल्कुल वाइट थी, उसमें ये थोड़ी सी थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर ऐड करने से कॉपर का जो कलर दिया है, शेड दिया है, वेरी नाइस। जैसे मोर विजुअल्स, ये अगेन सेम मटेरियल स्टील ही है, और एक जो है वो बेडरूम है और जो दूसरा है वो एंट्रेंस के ऊपर एक बड़ा लाइफ साइज तरह का स्कल्पचर है। अब ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें कोई ह्यूमन फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये मैंने सोचा था कि जी ये थोड़ा सा हमारा कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा, इस तरह के जो हमारे वो बास्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी मिलती हैं, तो ये हमारे और ये बहुत इतनी महंगी भी नहीं होती है, आपको आम मिल जाती है। उन बास्केट्स का एक कोलाज सा बना के आप किसी भी वॉल पे एक बड़े मजे की आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जी ठीक है, दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। अगेन वो एक वर्टिकल एलिमेंट है, उससे जो थ्री डायमेंशनैलिटी ऐड हो रही है, तो वो स्पेस को काफ़ी कैरेक्टर दे रही है। इसमें भी अगेन बहुत सारे डिफरेंट तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। अब जो राइट साइड के ऊपर हमारा विजुअल है, अगेन ये जो लकड़ी के जो पीसेस बचे हुए होते हैं उनको यूज़ करके और उनके साथ थ्रेड अटैच करके उसका किस तरीके से शेडो पड़ रहा है वो सारा इसमें आ रहा है। राइट जी, सम मोर एग्जांपल्स किस तरीके से जो है वो स्कल्पचर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगेन कोई भी मटेरियल हो सकता है, जो हमारे राइट साइड के ऊपर है वो स्टील है और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है वो शीशे को उन्होंने इस्तेमाल करके उसके अंदर सारा रिफ्लेक्शन है। जी, तो डिफरेंट सारी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। यानी एक्सपेरिमेंट, आप खुद भी अपनी क्रिएटिविटी को विंग्स दीजिए और खुद से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अब्दुल्ला आपको जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं या जो एग्जांपल्स दिखा रहे हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है। द आइडिया इज के कोई भी चीज़ घर में, कई दफ़ा कोई फालतू चीज़ पड़ी होती है, उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं स्प्रे पेंट के साथ या कुछ भी, तो अपनी क्रिएटिविटी को भी डिस्कवर करें। डेफिनेटली, और आई थिंक ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, इसमें आप अपने आपके बच्चे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई कपल है वो मिल के कर सकते हैं, तो इट कैन बी लाइक अ वेरी नाइस क्रिएटिव एक्टिविटी जो आप एज अ फैमिली भी कर सकते हैं उसको, और अपने जो स्पेस है उसको मजीद ज़बरदस्त बना सकते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं जनाब, एक मशहूरियाँ ब्रेक लेते हैं, और मशहूरियाँ ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से कुछ ऐसी बात होने जा रही है, और आज के मेहमान तो बस लुत्फ आ जाएगा आपको। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। जब टेलीविजन पाकिस्तान में आया बहुत 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 साल पहले, तो इतनी जल्दी टीवी स्क्रीन ने हमारे घरों में घर कर लिया
जबकि असातिज़ा और माहिरीन ये कहने लगे कुछ अरसे के बाद कि टीवी स्क्रीन जो है वो अब आपका थर्ड पेरेंट है। जिस तरह माँ और बाप एक बच्चे की तरबियत करते हैं, टीवी स्क्रीन भी उस बच्चे की अच्छी या बुरी जैसी भी हो तरबियत कर रही होती है। तो जो लोग स्क्रीन चलाते हैं, जो स्क्रीन बनाते हैं, सजाते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी कि अरे भाई जो कुछ भी कहना है, जो भी कहानी सुनानी है, किस तरह की मौसीकी हो, किस तरह के रंग हो, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, उसको जहन में रखें कि ये बच्चे भी देख रहे हैं और एक पूरी की पूरी नस्ल जो है उसकी तरबियत टेलीविजन की स्क्रीन कर रही है। आज मेरे जो दो मेहमान हैं ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने हमारी जनरेशन की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा किया, अपने लिखे हुए हर्फ से, अपनी कहानियों से, अपनी अदाकारी से, अपनी मौसीकी से, क्या शायरी पिक की जाए, किस तरह का कलाम हो जिसको मौसीकी में बांध कर नाजिर तक या व्यूअर तक पहुंचाया जाए। और मेरे लिए बहुत खुशबख्ती है कि हमारे, मैं तो दोस्त भी कहूंगा, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बिल्कुल असातिज़ा भी हैं। हसीना मोइन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अरशद साहब, अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कि अरशद साहब को तो इतने रंगों में हमने देखा है कि मेरा ख्याल है टेलीविजन स्क्रीन पे देखने में इतने रंग नहीं होते अरशद साहब जितने आपकी शख्सियत के रंग। वेलकम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे अच्छा रंग कौन सा है भाई? मैं तो बारह कह चुका हूँ कि जो मेरा पहली मोहब्बत, सारे रंग अच्छे, सारे रंग अच्छे। अच्छा ये कह रही है, और ये इस तरह की बात शहजाद खलील भी किया करते थे कि तुम्हारे सारे रंग अच्छे हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पे म्यूजिक जो है वो बहुत करना बहुत वो पसंद है। मुझे अच्छी तरह याद है धूप किनारे में भी बहुत बड़ी टेक्टफुली हसीना ने और सारा ने मुझे फंसाया था। उन्होंने कहा तुम पहले एपिसोड में मर जाओगे तो एक एपिसोड कर दो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि वो एक रिलेशनशिप शायद ऐसा बन गया मेरा और रात का कि वो हर एपिसोड में फ्लैशबैक होते। हाँ। तो तकरीबन तो मार तो दिया लेकिन उसके बाद दोबारा जिंदा करना पड़ा साथ। ये जादूगरी जो है ये राइटर कर सकता है, ये राइटर के। हसीना पर आप बड़ी चकाचौंध है, कैमरास, प्रोडक्शन क्वालिटी, लाइट्स, मेकअप, जो सेट्स होते हैं या जो लोकेशंस होती हैं, तो इस सारे में हमारा जो ड्रामा है उसकी कहानी क्या आप समझती हैं अभी भी जिंदा है? दब गई है, दब गई है, कुछ दब गई है। दब भी इसलिए गई है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या हमारे जो चैनल ओनर्स हैं उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा है कि आज के दौर में हज़ारहा मौजूआत हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन वो बात करते हैं सिर्फ एक दो मौजू पे। हर ड्रामा आप देखो तो लगता है वही चल रहा है, वही चल रहा है ड्रामा, वही तलाक हो रही है, वही शादी हो रही है, वही मार पड़ रही है, घर से बाहर निकाला जा रहा है औरत को। तो ये कि मौजूआत की कमी नहीं है, कहानियों की भी कमी नहीं है, लेकिन वो जल्दी का काम है, कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, पैसे लिए और चले गए घर, बस ये वाली कुछ कहानी है। रेटिंग्स कि रेटिंग आ रही है तो फिर तो सब अच्छा है। अब रेटिंग का मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है कि रेटिंग होती कहाँ है। आपको अगर कहा जाए कि ये रेटिंग के मुताबिक कहानी को अब यूं ट्विस्ट दे दें, अब यूं कर दें, यूं कर दें, आप जैसा लिखारी लिख सकता है? मुझसे कोई कहेगा नहीं, बल तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह कि मैं करूँगी नहीं, मतलब कहानी का एक अपना तकाजा होता है। देखो शुरू करते हैं जब हम कहानी को तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो कहानी खुद बनने लगती है, उसके किरदार जो होते हैं जिंदा होते जाते हैं और उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अरशद को अच्छी तरह मालूम है कि कोशिश भी अगर हम करें कि इस किरदार को बदल दें हम, इस वो अननेचुरल हो जाता है, तो इसलिए हमें उसके साथ चलना पड़ता है। अच्छा साहब आपने भी लाजवाल किरदार, मतलब चौधरी साहब वाला किरदार, तो मेरा ख्याल है हर जनरेशन जो है उसके साथ लिव करेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर कहानीकार जो है वो उसके हाथ से भी बात निकल जाती है, वो किरदार खुद बताता है कि मैंने किस तरह। हाँ। आपने एक्सपीरियंस नहीं, 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 ये इसीलिए इन्होंने मेरी तरफ इशारा भी अभी किया था क्योंकि जब भी हम कहानी में बैठते हैं, जिस तरह अनकही का मुझे याद है कि कहानी पे जब बैठते थे उसमें जो किरदार होते थे तो वो कि ये बात ये कह भी सकता है या नहीं, तो आप क्यों इससे कहलवा रहे हैं,
ये अगर बात कहलवानी है तो इसको एक और किसी तरीके से कहा जाए, इससे ना कहलवा, मतलब इस कि उससे वो किरदार अपने, क्योंकि हर किरदार को जैसे ही बता रही थी कि खाना है, उससे वो बाहर निकल जाएगा, तो ये सही नहीं। तो इसमें बहुत बहस भी होती थी और इस पर बहुत, अब तो मैं नहीं देखता कि कोई लोग इस तरह बैठ के किसी स्क्रिप्ट पे काम करें, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर को भी बिठा लिया जाता था मैं ये। अच्छा, ये गाने का उसका ड्रामे का जो बैकग्राउंड स्कोर अगर बनना है तो कहानीकार के साथ म्यूजिशियन का बैच था भाई। इसमें ये एक तो ये आपस में हमारी दोस्तियां बहुत थी, वैसे भी मतलब हमें बहुत खुशी होती थी एक दूसरे से मिलके। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ उसके शायद पीछे ये चीज़ हो कि जो भी तख्लीककार है तो वो कोई नई बात सुझाने में मददगार साबित हो सकता। सही। तो क्योंकि मौसीकार भी शायद तख्लीक करता है तो वो भी कुछ आइडिया दे सकता है कि नहीं इस तरह, तो इस वजह से। लेकिन हमारी आपस में दोस्ती बहुत थी, खाना इकट्ठे, चाय पीना इकट्ठे, मतलब तो उस वजह से भी जरा ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था उस वक्त एक आर्टिस्ट की हैसियत से या एक लिखारी की हैसियत से या एक मौसीकार की हैसियत से, एक अदाकार की हैसियत से, उस वक्त अपना नाम बनाना या कोट एंड कोट मशहूर हो जाना उस वक्त ज्यादा आसान था, या अब जब चैनल्स की फरावानी है अब ज्यादा आर्टिस्ट को अपने आप को मनवाना अब ज्यादा आसान है? मैं अभी तो एक और चीज आ गई है तौसीफ कि तुम ये देखो कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी अब छोटी छोटी कहानियां बननी शुरू हो गई। अच्छा, कि जब भी जो डिस्पेंसेशन के तरीके हैं वो चेंज होंगे तो वो जो कहानी भी बदलेगी, हर चीज़ बदलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी ये नहीं हुए थे, हम एक क्लब में बैठे हम खाना खा रहे थे और काफ़ी लोग थे वहाँ जो ड्रामे से मुंसलिक थे, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे टेलीविज़न ड्रामे के लिए। तो उनसे मैंने यही कहा था, मैंने कहा अब ये टेलीविज़न का जो मीडियम है ये हमारे हाथ से निकल गया है। अच्छा, ये कब तो की बात है, कब आपने? मेरे ख्याल में ये 2002 या 2003 की, यानी आज से 15 बरस पहले आपके ख्याल में टेलीविजन हमारे हाथ से का ड्रामा हाथ से निकल गया? जी जी, एक तो ये कि जी टेलीविजन यानी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टूल बन गया था कि जितने भी इश्तिहार, बहुत तो अच्छी बात है। नहीं, वो तो सही है, वो बात की बात सही है, वो बहुत अच्छी बात है, वो तो कमाएंगे। तो बात क्या है, ये देखो हम जो कहानी सुनाते थे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी वेबसाइट पे या नेट पे कोई ऐसी वेबसाइट जो 30 सेकंड में ना खुले आप यू लूज इंटरेस्ट इन इट। हाँ, ये तो है, यू गो टू समथिंग एल्स। तो अच्छा, अब मजे की बात है कि लोग कहते हैं कि ये मुझे अगला 5 सेकंड में बताएं बस क्या है। अच्छा, हम जो बात करते थे, हमारे तो पहले 2 एपिसोड तो सिर्फ किरदार ही इंट्रोड्यूस होते थे। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी बताओ कि बस किरदार ने किसको तलाक दी। तो लिहाजा मैंने सबसे इनसे गुजारिश की थी, मैंने कहा देखे हमें वो एनवायरनमेंट चाहिए कि हम दरवाजे बंद कर दें और बत्तियां बुझा दें और आपको अपनी कहानी सुनाएं या अपना गमे दिल सुनाएं। तो उसमें नुक्ताचीनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि नुक्ताचीनी होगी तो गमे दिल कैसे सुनाएंगे, क्योंकि कहानी तो होती है गमे दिल। तो लिहाजा एक कमरे में बंद करें, लाइटें बुझा दें या स्क्रीन पे दिखाएं कहानी, और या है कि थिएटर में दिखा दें। क्योंकि टेलीविजन जो है एज ए मीडियम, उसमें जो अब मजामीन रह गए हैं, मैं समझ रहा 3 है, वो 3 मजामीन, एक तो करंट अफेयर्स है, ठीक है, दूसरा जो है वो लाइव स्पोर्ट्स है, और तीसरा है रियलिटी टीवी। उसमें हमको इतने काबिल नहीं है, मतलब जिसको नेशनल ज्योग्राफी कह लो या डिस्कवरी चैनल कह लो, इस पे भी बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि ड्रामा और कहानी जो है वो अब इस मीडियम का खासा नहीं रहा। देखिए इसका अर्शद साहब छोटा सा मशहूरियां देख लेते हैं, मशहूरियां आपको पता है बहुत जरूरी है इसी कमर्शियलिज्म की हम बात करें, तो वो एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आप दोनों से जरूर जानना चाहेंगे कि फिर कहानी का मीडियम कौन सा है, क्या फिल्म है, और अगर है तो फिर हम उसमें कहां खड़े हैं। हसीना पा, आपका ओपिनियन हम चाहेंगे। एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, अभी मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। हसीना मुइन साहिबा, अर्शद महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आज कहानी की बात कर रहे हैं। अभी तक की गुफ्तगू में हमें यह पता चला कि असातिज़ा ने, जैसे असातिज़ा ने 10-15 बरस पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब ये टेलीविजन का मीडियम
कहानी का मीडियम नहीं रहा, हाथ से निकला जा रहा है। आप कुछ कह रही हैं? मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि असातज़ा ने जो कहा था उसकी वजह भी ये थी कि उन्होंने कुछ देखा था, उसके बाद उन्होंने ये राय कायम की थी कि पीटीवी तो अकेला नहीं था, अब तो 90 चैनल चल रहे थे जी। तो जब हम लोगों की कभी गुफ्तगू होती थी तो वो यही कहते थे कि इंतज़ार साहब हैं, यूसुफी साहब, ये कहा करते थे कि भाई ये जो कहानी जा रही है किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है, इसको रोकते क्यों नहीं हो तुम लोग, ये रोकते क्यों नहीं हो, कितना अच्छा। तो अब हमें कसीना पर कहानी कहाँ मिलेगी, क्या फिल्म में कहानी मिलेगी? देखिए कहानी आपको हर जगह मिलेगी, इतने हमारे करोड़ इंसान हैं, उनके हर एक की कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को बरतना, संभालना और उसे नयापन देना ये आपका काम है। ये हमारी फिल्म कर पाएगी, ये जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है, फिल्म तो जरूर कर पाएगी और कर लेगी, लेकिन बात ये है कि उनको ऐसे लोग भी तो मिले ना, वो उन लोगों से काम करवाएं जिनका काम होता है, मतलब म्यूजिक अगर अरशद से करवाएंगे तो उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, ठीक है, और कहानी अगर ऐसे कहानीकारों से लिखवाएंगे जो कि कहानी पे बोर रखते हैं तो उसमें क्या खराबी हो सकती है, कहानी में खराबी नहीं होगी, लेकिन कहानी खराब की जा सकती है। डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर है वो बुरी भी कहानी को संभाल लेता है, लेकिन बुरा डायरेक्टर जो है वो बेहतरीन कहानी को तबाह कर सकता है, इसलिए चक्कर इसमें एक आदमी का काम नहीं है ना, ये चूंकि दो तीन लोगों का काम है, आर्टिस्ट भी शामिल हैं इसमें। नहीं नहीं ये तो है, कोलैबोरेटिव आर्ट है, कोलैबोरेटिव आर्ट इसमें सारे अच्छा, और दोस्तियां होनी भी जरूरी है। ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान टेलीविजन में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी जहाँ दोस्तों ने मिलकर कोई प्रोडक्शन की वो हमेशा बहुत अच्छी रही, मसलन वहीद मुराद, सोहेल राणा, परवेज मलिक, अच्छा और मसरूर अनवर जी, ये चार दोस्त थे, बेशुमार फिल्में बन गई। अच्छा फिर सैफुद्दीन साहब, निसार बज़मी, हसन तारिक, बेशुमार अच्छी फिल्में बन गई। तो इसी तरह ही हमारी भी एक टीम बन गई थी कराची स्टेशन पे। दोस्ती होना जरूरी है एक अच्छी कामयाबी, मेरे ख्याल में ये आपस में वो होनी चाहिए। अब तो मैं जब सुनता हूँ लोगों से बात तो ज़्यादातर वो लोग ईमेल पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं आइडियाज अच्छा और यानी वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया। अभी हम बात कर रहे थे आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि हम दोनों कराची में, लेकिन देखो इस्लामाबाद में मिल रहे हैं काफी अरसे बाद, यानी वो कुछ ऐसा रूटीन बन गई, करीब नहीं किया दूर कर दिया। हाँ तो ये भी एक वजह। अच्छा मैं वो बात कंप्लीट कर रही हूँ, हर तरह की कहानी सुनाई, सोशल मीडिया में आप 1.5 घंटे की कहानी नहीं सुना सकते, वहाँ कहानी की का दौरानिया 30 सेकंड ही होना चाहिए। अच्छा जो टेलीविजन पे आप दिखा रहे हैं उसमें रेफरेंस कोई इस तरह का हो जिसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व हो तो वो कहानी शायद टेलीविजन पे भी सुनाई जा सके, लेकिन जिस कहानी को हम मिस करते हैं जो अभी आप बात कर रहे हैं उसका जो मीडियम है वो सिनेमा ही है। और ये भी नहीं कि ये कल ठीक हो जाएगा, ये तो आप करते रहेंगे। अभी तो सिनेमा यानी शुएब ने जो बनाई थी फिल्म खुदा के लिए तो वो उस वक्त तो स्क्रीन ही नहीं थी इतनी, अब थोड़ी सी बढ़ी है तो अब मतलब और बढ़ जाएंगी, कुछ और लोग भी काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही आला फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन काबिले बर्दाश्त है, मतलब उनको बुरी भी होती है लेकिन जाहिर है अच्छी भी है, बहुत अच्छी। अच्छा उस और वो जमाना तो सही जो हमारा जमाना था, अब देखे ना कि कितना म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था। जब मैंने 70s में शुरू किया है, मतलब मैं तो एक नौजवान था, मेरा तो कोई उस वक्त ना स्टैंडिंग थी ना हमें कोई कुर्सी ऑफर करता था, टीवी स्टेशन खड़े ही रहते थे तो लेकिन उस वक्त मसलन मास्टर मंजूर, मास्टर तुफैल बना रहे थे, खलील अहमद, यानी ये रेगुलर 4-5 तो म्यूजिक के प्रोग्राम लाहौर स्टेशन होते। इसी तरह लाल मोहम्मद इकबाल, नियाज अहमद, मुजाहिद हुसैन, करीम शहाबुद्दीन, ये कराची से बना। अच्छा वो जब अगर तुम आज भी उसका कोई डाटा कलेक्ट करके आप बताएं तो आप ये जानेंगे कि जो 100 चीज़ें बनी उसमें से 10 ही ठीक थी। हाँ। अच्छा उसी को हम याद भी करते हैं,
सही। तो ये 100% खर्चना बहुत ज़रूरी है उस 10% के लिए। अच्छा, अब जो बनाने वाला है किसी भी चीज़ को, वो ये वेस्ट, वो 90% नहीं बर्दाश्त कर सकता, ज़ाया करना। नहीं है लोगों के पास, नहीं वो पैसे भी नहीं है, मतलब जिस तरह के पैसे अब मिलने शुरू हो गए हैं, ये सारा सिस्टम जो है इट हैज टू बी रीथॉट। और लेकिन ये तो वही बात है कि क्योंकि टीम वर्क है, किसी एक के हाथ में तो फैसला है नहीं कि आज सुबह ये फैसला सादर फरमा दिया जाए और कल से ये जिस कोर्स से ये चीज एक जानिब गई है, लेकिन उसको पहले एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको कुछ होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो हो रहा है वो सब सही है, ये भी एक रवैया है, तो फिर होने दें, फिर जैसे वो हो रहा है फिर वो भी ठीक है। कॉमेडी इस वक्त कैसी क्रिएट हो रही है आप? ओहो, क्या छेड़ दिया आपने क्या कहते हैं, तीर दिल पे मारा, पता नहीं क्या है वो। वही कॉमेडी का बड़ा बुरा असर किया। असल में समझा ये गया है कि शायद उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों को हंसा लेना आसान होता है, लेकिन अब तो लोग रोने लगे हैं उसे देख के तो ये मुश्किल हो गई है। कॉमेडी नहीं, तो कॉमेडी टीवी पे या फिल्म में बड़ी सटल होना चाहिए, और होती रही। इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस फिल्म में थे और टीवी पे भी रहे हैं और उन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने जेस्चर्स से, उल्टी सीधी हरकतों से या गलत जबान बोल के, ये कॉमेडी नहीं होती। ये कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी होती नहीं। वैसे भी देखिए, आपको पता है कि शेक्सपियर ने कहा था कॉमेडी और ट्रेजेडी के दरमियान बहुत बारीक सी लकीर है, आप उसे क्रॉस कर गए, खत्म हो गया। इसी तरह फक्कड़पन और कॉमेडी के दरमियान भी बड़ी बारीक सी लकीर है, आपने उसे जरा सा क्रॉस किया तो आप फकड़पन की तरफ चले जाते हैं। अर्शद साहब, आप नहीं, वो बात तो सही है, क्योंकि बहुत तरह की कॉमेडी हो सकती है। मसलन मैं समझता हूँ कि एक अनकही का सीन था, इन्होंने लिखा था कि कोई जब मेहमान घर में आए जो बड़ा जरा ज्यादा बड़ा अपने उसमें और तो फिर उसके सामने क्या कैसे खाना चाहिए, तो वो इतना सा वो शहनाज शेख टाक, तो मतलब उसमें ना कोई जुमला था, वो एक सिचुएशन थी, तो लोग उस पर वाकई बहुत महसूस हुए थे कि यार ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वो वहाँ से गए और एकदम जिस तरीके से वो, क्योंकि भूखे रह गए थे सब उस सारे उसमें, तो बात यह है कि अब जरा मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जुमलेबाजी ही जो चैनल पे करंट अफेयर से मुतलका ही कॉमेडी प्रोग्राम होते हैं जी, और टॉक शोज कॉमेडी के होते हैं, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बैठे होते हैं, फिर वो जुमला किसी भी गेस्ट पे या कोई जुमलेबाजी ज़्यादा है, यानी सिचुएशन आपको पता ही है कि ये टॉक शो है, इसमें आके लोग बैठ के जाहिर है कि ऐसी बातें तो करेंगे, लेकिन उसकी अच्छा सा व्यूअरशिप बहुत है। जाहिर है, मतलब ये देखिए व्यूअरशिप तो मसलन जब हम जब ये टेलीविजन शुरू हुआ था तो टेलीविजन की ट्रांसमिशन 6 से 11 बजे तक होती थी, तो उस दौरान हमसायों यानी 4-5-6 घरों में एक टेलीविजन होता था। सही। अच्छा, अब हर कमरे में टेलीविजन है, और फिर ये है कि मुझे नहीं समझ आती व्यूअरशिप है या नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि कोई सीरियस व्यूअरशिप हो भी नहीं सकती। मतलब अगर कोई ये कहे कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है तो वो वही है कि वो जो उसका मेयार जो है वो यही है कि जिसमें ज़्यादा इश्तिहार आ जाए। अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसीना पर मौजूद हैं, एक मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे, और मशहूरियाँ ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा इनसे बच्चों की प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करेंगे, जो इब्तदाई में मैं जिक्र कर रहा था कि टेलीविज़न जो है वो बच्चों की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आजकल का बच्चा टीवी से, बड़ों की भी तरबियत, लेकिन आजकल का बच्चा जो हमारी स्क्रीन से क्या सीख रहा है और क्या स्क्रीन उस जिम्मेदारी को, चाहे वो PTV की स्क्रीन है, चाहे किसी भी प्राइवेट चैनल की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन वो जिम्मेदारी निभा पा रही है या नहीं, रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ मौजूद हैं अर्शद महमूद साहब, हसीना मुईन साहिबा। पेरेंट जो है टीवी, वो अच्छे बच्चे पाल रहा है आजकल या नहीं?
बच्चे अच्छे पल रहे हैं सीना भाई? बच्चे कैसे पलेंगे? बच्चे तरबियत जो होती है वो लफ्जों में नहीं दी जाती है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप जो दिखा रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। जबान गलत हो रही है, ये इस वजह से कि मीडिया जो है वो गलत जबान बोल रहा है, गलत जबान लिख रहा है, जुमले गलत जा रहे हैं, कहानी के मौजूआत गलत हैं, तो ये कहाँ से सीखेंगे कहाँ से? सीना पर सही क्या है? कुछ सही भी जा रहा है? जो सही जा रहा है वो सही जा रहा है, लेकिन जब आप इतने बड़े उसमें 90 चैनल्स में से अगर 3 से सही जा रहे हैं या 4 सही जा रहे हैं तो उसकी अहमियत नहीं रहती। अच्छा, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रॉब्लम है कि जो वीक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जहाँ आपका कंट्रोल ढीला पड़ेगा वहाँ ढीली बात होनी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको PTV की ही मिसाल देता हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि एक ये 14 अगस्त के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो उसमें पुराने शॉट्स थे कायद आजम के, और ये उन्होंने कहा कि कायद आजम ने ख्वाब देखा और फिर उसको अमली जामा, हमने हमेशा सुना था कि जी अलावा इकबाल ने ख्वाब देखा है और कायद आजम ने उसको यानी रियलिटी में तब्दील किया। तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो कंट्रोलर्स होते थे, जिस तरह हमें कभी, मैं भूल ही नहीं सकता मुदब्बिर साहब को, यानी लफ्ज़ की सेहत कोई ऐसी चीज़, वो फौरन हमें आके वहीं आके बैठ जाते थे कि यार ये ना करो, ये इस तरह ना करो, ये नहीं चीज़ ठीक होती। तो मेरा मतलब कि जो बाकायदा मतलब असातिज़ा का दर्जा था वो, हालांकि वो और कोई प्रोग्राम देखते थे तो कुरैशपुर साहब फोन कर देते थे कि भाई क्या ये पकड़पन शुरू हो गया, तो मतलब ये कोई था पूछने वाला। अच्छा, बच्चों के लिए काम करना का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्योंकि भाई मुझे तो बहुत लुत्फ आता है, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। मेरा जो पोता है उसको मैं गाने भी सुनाता हूँ, उसके लिए गाने लिखता भी हूँ और वो बड़ा खुश होता है, और उसका नाम इब्राहिम है, तो मैं मज़ा भी आता है। हाँ, बच्चों के साथ वैसे कि जी इब्राहिम अपने दादा और दादी की करते रहो ताज़ीम, इब्राहिम तो ये इस तरह, तो ये हम तो भी कर रहे हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि वो टेलीविज़न के जितने भी वो हैं उनके पास ये इतना वो क्या कि अब किसी मुसाफिर को दिमागे सफ़र नहीं है, तो पहले दिमाग था। अब आप देखें 6 घंटे की ट्रांसमिशन होती, उसमें 1 घंटा तो यकीनन बच्चों के लिए होता था, और एवरी डे बिल्कुल, फिर इलाकाई प्रोग्राम हो जाते थे, उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट का होता था, फिर कोई ड्रामा था, फिर आधे घंटे का खबरनामा होता है। अब 24 घंटे खबरें चलती, तो उसके बाद एक कोई सीरियस ड्रामा लॉन्ग प्ले होता था, या कोई अंग्रेजी फिल्म दिखाई जाती थी, क्लासिकल म्यूज़िक होता था राग रंग के नाम से, कव्वाली जुमे को होती थी। अच्छा, और ये 6 घंटे की रिवायत को PTV ने अभी तक कायम रखे हुए हैं। अब म्यूज़िक के हवाले से, लाइव म्यूज़िक के हवाले से, अब रात गए जो पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है कि वो अभी भी इस वक्त पूरे मीडिया सीन पे कहीं भी लाइव म्यूज़िक और कहीं नहीं हो रहा, PTV कर रहा है। बच्चों का वो आप सामने देख सकते हैं, हमारा वो कॉर्नर जो है हमारे शो में, ये बच्चों का सेगमेंट रोज़ हम कर रहे हैं। So, again, है, बहुत अच्छी बात है। As a state TV, शायद PTV की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों पे कितना काम किया है, एक सीरियल पूरी मैंने लिखी रूमी एंड गुड्डू, उसके अलावा हर सीरियल में बच्चा कोई ना कोई बच्चा होता था, अनकहीं में जिब्रान था, इसके अलावा गुड़िया बनाई मैंने जिसपे अवार्ड भी मिला, वो भी बच्ची छोटी सी बच्ची के ऊपर थी, एक और था राबता जिसमें एक छोटा सा बच्चा था। तो आप बच्चे को जब शामिल कर लेते हैं ना तो वो कहानी पूरी अधूरी नहीं रहती, फिर पूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपना किरदार जो है वो संभाल लेता है बहुत अच्छी तरह। आपके पास तो बेशुमार मोमेंट्स होंगी कि जिसको सिर्फ याद करके ही आपकी जिंदगी पुरलुत्फ गुजर सकती है, लेकिन कोई एक दो मोमेंट्स के जब रिहर्सल्स किया करते थे या एज अ टीम बैठे होते थे जो आज भी याद आती है तो एक बात मैं सुना सकता। जी बताइए। हुआ ये कि अच्छी खासी, मैं नाम सारे जो हैं वो हसीना बताएंगी, मैं सिचुएशन सिर्फ आपको बता कि बहुत एक जिसको कहते हैं कि सख्त किस्म की बहस शुरू हो गई और उसमें जो गुस्सा है वो बढ़ना शुरू हो गया, और हसीना तकरीबन ये ऐसी हो गई कि नहीं मैं, अच्छा फिर ये नहीं हो सकता। ये तो मैंने वहाँ एक जुमला कहा था
जिसके तो इन्होंने फौरन बहुत दाद दी कि यार तुमने मिला। मैंने कहा दरअसल ये प्रोड्यूसर साहबान ये चाह रहे हैं कि ये एपिसोड जो है इनके पैनल पे बैठने से पहले ही हिट हो जाए, हिट हो जाए। तो यानी रिकॉर्ड होने से पहले हिट हो जाए। फैसला सुना दिया क्या आप लोग? तो ये चाहते हैं, मतलब अपना काम नहीं, ये हमारे काम में ये वो कर रहे हैं, अपने काम को नहीं देख। बहुत अच्छा, जो हम दोनों ने मिलके किया था ना अनकहीं में, हम डिस्कस करते थे, इतना एंजॉय करते थे। यानी कहानी तो बाद में लोगों ने देखी है, लेकिन उससे पहले की कहानी जो थी हम लोगों की आपस की, वो बड़े मजेदार होती थी। नहीं और अच्छा, तो सीरियसली झगड़े होते थे और वाकई गुस्सा भी बीच में आता था, उसका इजहार भी होता था। वैसे हसीना बाग के बारे में मैं सोच नहीं सकता कि कभी गुस्सा कर सकते। नहीं नहीं, मैं मुझे मैं क्योंकि हमारी दोस्ती बनी थी तो शक्ल से देख देता था कि अब ये अपसेट हो रही है। बहुत लुत्फ आया आप दोनों की तशरीफ आदि का, बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियत साथियों ऐसी हैं कि जिनसे घंटों गप लग सकती है और बात हो सकती है, और तजुर्बा और वाकयात और ज़िंदगी का तजुर्बा और मीडिया का तजुर्बा इस कदर ज़्यादा है और लुत्फ है। बहुत शुक्रिया हसीना पा, थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारे साथ ये नशिस्त इन्जॉय की, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।